हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायो हब पर। और ये एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म टॉपिक चल रहा था और इसमें लगभग हमने 104 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 105 से डिस्कस करेंगे और ये आज का पहला क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लगभग ये 40 क्वेश्चन होंगे तो डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जो एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म है ये टॉपिक कम्प्लीट हो जाएगा और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लगभग हमने सारे कर लिए, लगभग नहीं पूरे ही जितने अभी तक आए हैं वो सारे क्वेश्चन जो है वो हम कम्प्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ नेल वॉज ड्रिवन इंटू द ट्रंक ऑफ एन एक्टिवली ग्रोइंग ट्री एट अ पॉइंट 4 feet फ्रॉम द सॉयल लेवल आफ्टर 4 years इट विल। एक सक्रिय रूप से बढ़ने वाले पेड़ के तने में मृदा के स्तर से 4 feet की ऊंचाई पर एक कील ठोकी गई है, तो 4 साल के बाद यह कील कहाँ होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, जैसे ये प्लांट है और उसका ये स्टेम है, तो यहाँ पे मिट्टी, ये मिट्टी है यहाँ पे, तो मिट्टी से कुछ ऊपर यहाँ पे एक कील ठोकी गई है, ये मान लीजिए एक कील है। तो अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर 4 साल बाद ये जो कील है तो वो कहाँ पर रहेगी, इसका मतलब प्लांट तो ग्रो करेगा तो कील कहाँ रहेगी। तो देखिए, कील तो जहाँ ठोकी गई है वहीं रहेगी, लेकिन जो प्लांट ग्रो करेगा उसी के साथ इसकी जो भूमि है इससे क्या है, इसकी दूरी जो है बढ़ती चली जाएगी। कील जो है जहाँ पर ठोकी गई थी वहीं होगी, लेकिन इसकी जो दूरी है वो कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगी। जैसे ये कुछ इतने फीट पर थी तो ये यहाँ पर इतनी हो जाएगी, तो दूरी यहाँ पर बढ़ जाएगी, लेकिन ये कहाँ पर यथावत उसी स्थान पर रहेगी। रिमेन्स वेयर इट वॉज, जहां पर ये थी वहीं पर रहेगी, लेकिन बस इसकी क्या होगी, भूमि से जो इसकी, जैसे ये भूमि है तो यहां से इसकी जो दूरी है वो बढ़ जाएगी। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबिसल वैस्कुलर बंडल अकर्स इन। एम्फीबिसल जो संवहन पुल है वो किसमें पाए जाते हैं, ड्रेसिना, लाइकोपोडियम, पाइनस, कुकरविटा। तो जो एम्फीबिसल वैस्कुलर बंडल है वो ड्रेसिना में पाए जाते हैं, यहां पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्क ऑफ कॉमर्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम, यहाँ पे व्यापारिक कॉर्क के बारे में पूछा गया है कि जो व्यापारिक कॉर्क होती है वो किससे जो है उत्पन्न होती है, फैलोजन से, वैस्कुलर कैम्बियम से, फ्लोएम से या फिर जाइलम से। तो वो जो कॉर्क है वो फैलोजन से जो है वो प्राप्त होती है, यहाँ पे ए आंसर जो है वो उसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे इसका ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, फैलोजन से जो है वो प्राप्त होती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्रोवाइड टेंसिल स्ट्रेंथ अगेंस्ट बेंडिंग एंड स्विंग। यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से वह कौन सा ऊतक है जो मुड़ने या फिर हिलने डुलने के प्रति तनन शक्ति प्रदान करता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एरेन्काइमा। तो वो जो तनन शक्ति जो हिलने डुलने की प्रदान करता है वो कोलेन्काइमा है, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, द बेसिक केमिकल यूनिट ऑफ पैक्टिन इन द मिडिल लैमला इज। यहाँ पे पूछा गया है कि जो मध्य पटल का होती है उसमें पैक्टिन की आधारभूत रासायनिक इकाई है, गैलेक्ट्रोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड, मैनुकोरोनिक एसिड या फिर पैक्टिनिक एसिड। तो यहाँ पे जो है इसका इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा ए, गैलेक्ट्रोनिक एसिड। यहाँ पे ए आंसर जो है वो राइट हो जाएगा, जो पैक्टिन का क्या होता है, एक बेसिक केमिकल यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे इसके ऑप्शन इस साइड दिए गए हैं। क्वेश्चन है, ब्रांच्ड स्क्लेरेन्काइमा अकरिंग एज आइसोलेटेड सेल्स स्कैटर्ड इन एनी टिश्यू आर कॉल्ड। यहाँ पे पूछा गया है, किसी ऊतक में वियुक्त कोशिकाओं के रूप में पाए जाने वाले साखित दृढ़ ऊतक कहलाते हैं, लिवरी फॉर्म, ट्रैकिडियल फॉर्म, इडियोब्लास्ट या फिर स्टोन सेल्स। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, लिवरी फॉर्म फाइबर्स होते हैं, उनको जो आइसोलेटेड सेल्स होती हैं उसी के रूप में जो पाए जाते हैं, क्योंकि जो ब्रांच्ड स्क्लेरेन्काइमा होती है तो उसे लिवरी फॉर्म जो है फाइबर्स कहते हैं। ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्क सेल्स जो होती हैं क्या होती हैं, फोटोसिंथेटिक, इलॉन्गेटेड एंड पार्टिसिपेटेड, मेरिस्टमैटिक या फिर डेड। तो जो कॉर्क सेल होती हैं वो डेड होती हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्सेसन लेयर इज फॉर्म्ड बाय, जो एब्सेसन लेयर होती है जब पत्ते जो होते हैं प्लांट से अलग होते हैं, फल हो या पत्ती हो, तो जब पक जाते हैं तो पकने पर क्या है, झड़ जाते हैं। तो ये क्रिया जो है वो एब्सेसन लेयर बनने के कारण होती है। तो यही पूछा गया कि जो एब्सेसन लेयर है वो कहाँ पर बनती है, कैम्बियल सेल, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल, एरेन्काइमेटस सेल या फिर पैरेन्काइमेटस सेल। तो यहाँ पे जो है वो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, पैरेन्काइमेटस सेल, पैरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा ही क्या होती है, एब्सेसन लेयर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यंग लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम लाइज बिटवीन। यहाँ पे पूछा गया कि द्वितीयक जाइलम जो होता है, द्वितीयक जाइलम की जो नई लेयर होती है इनके नीचे क्या होता है, द पिट एंड द प्राइमरी जाइलम, जस्ट आउटसाइड द कॉर्क कैम्बियम, जस्ट आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम, जस्ट इनसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी जाइलम की जो न्यू लेयर बनती है वो जस्ट इनसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम होती है, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द ट्रंक ऑफ ट्री इंक्रीजेज इन गर्थ बिकॉज ऑफ माइटोटिक एक्टिविटी इन द, पेड़ के धड़ घेरे में बढ़ते हैं इसमें माइटोटिक कार्यकलाप के कारण, वैस्कुलर टिश्यू में, एपिडर्मिस के, मेरिस्टमैटिक टिश्यू के, या फिर पिथ के। तो यहाँ पे जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू होते हैं उनमें माइटोटिक डिवीजन के कारण क्या होता है, पेड़ों के जो धड़ होते हैं, पेड़ों की पूरी जो बॉडी है प्लांट का, वो जो घेरे में बढ़ते हैं तो वो इसी के कारण बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉटिलेडन्स बिकॉज दे, एक बीज पत्री में कलम बंधन संभव नहीं है क्योंकि, हैविंग कंजॉइट वैस्कुलर बंडल, हैविंग हैव पैरेलल वेनेशन, हैव स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, या फिर लैक कैडमियम। तो यहाँ पे जो जो ग्राफ्टिंग की प्रोसेस पूछी गई है कि जो ग्राफ्टिंग है वो एक बीजी में कलम बांधना संभव नहीं होता है क्योंकि उसमें क्या है, जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, मतलब जो फैले हुए रहते हैं। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम आ, फ्लोएम हमेशा प्रभावित होता है इसमें, सुगर सोर्स टू सुगर सिंक टू सुगर सोर्स, लीफ टू द जाइलम टू द फ्लोएम, एंड लीफ टू द रूट, लीफ टू अ रूट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, सुगर सोर्स से यहाँ पे सिंक की तरफ जो है फ्लोएम का प्रवाह होता है, सोर्स से सिंक की तरफ, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब वुड क्या है, इनर पार्ट ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम, आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, वन एंड टू बोथ, या फिर नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो सेब वुड है वो सेकेंडरी जाइलम का आउटर पार्ट होता है, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफाइट्स आर, यहाँ पे रेफाइट्स के बारे में पूछा गया कि जो रेफाइट्स हैं वो क्या होते हैं। तो जो रेफाइड हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, नीडल शेप क्रिस्टल, क्रिस्टल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सिलेट, नीडल शेप क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, नीडल शेप्ड क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, नीडल शेप क्रिस्टल होते हैं वो भी किसके, कैल्शियम ऑक्सिलेट के। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ग्रोथ रिंग आर फॉर्म ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ, ग्रोथ रिंग जो है वो किसकी सक्रियता के कारण बढ़ती है, इंट्रास्टेलर कैम्बियम, इंटरकैलरी कैम्बियम, एक्स्ट्रा कैलरी कैम्बियम, या प्राइमरी कैम्बियम। तो यहाँ पे इसका जो है बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, इंटरकैलरी कैम्बियम के कारण ही क्या होती है, ग्रोथ रिंग जो होती है बनती है, इसी की सक्रियता होती है। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑब्जर्व, जो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है वो किस में पाई जाती है, वीट, ड्रेसिना, जिंजर, या फिर अगेप। तो जो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो ड्रेसिना में पाई जाती है, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमरवियस नेचर ऑफ कॉर्क फॉर वाटर इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ विच केमिकल, यहाँ पे पूछा गया, सॉरी यहाँ पे इमरवियस नहीं है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे जो इम्परमिएबल जो होती है, अपारगम प्रकृति जो है, यहाँ पे ये मीनिंग गलत है, तभी वो पढ़ने में नहीं आ रहा था। कॉर्क की जल के लिए अपारगम प्रकृति निम्न में से किसके निक्षेपण के कारण होती है, लिग्निन, सुबेरिन, पैक्टिन, या फिर हेमीसेल्लुज। तो यहाँ पे जो सुबेरिन है, सुबेरिन के कारण ही क्या होता है, कॉर्क की जो जल के लिए अपारगम प्रकृति हो जाती है वो सुबेरिन के निक्षेपण के कारण हो जाती है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर, सेकेंडरी जो कॉर्टेक्स होता है उसकी सेल्स होती हैं, स्केलेनकाइमेटस, पेरेनकाइमेटस, कोलेनकाइमेटस, या फिर मेरिस्टमैटिक। तो जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है उसकी सेल्स सारी कैसी होती हैं, पेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ एक्जिलरी वर्ड इनटू टेंड्रिल, यहाँ पे कक्षस्थ कलिका के प्रतान में रूपांतरण के संदर्भ में विषम का चयन करें, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, या फिर बोगनविलिया। तो यहाँ पे जो बोगनविलिया है, बोगनविलिया में क्या होते हैं, जो एक्जिलरी बर्ड होती है वो टेंड्रिल में रूपांतरित हो जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, परमानेंट टिश्यू विद वेरियस सेल्स इन प्लांट्स इज कॉल्ड, स्थाई ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की सेल्स जो है वो पाई जाती हैं, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कैम्बियम, या फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक स्थाई ऊतक जो है वो माना जाता है, और इसमें क्या होती है, विभिन्न प्रकार की सेल्स भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन जिसका राइट आंसर है, यहाँ पे विभिन्न सेल्स की पूछी गई थी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्लांट स्ट्रक्चर आर नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल इज ऑब्जर्व, जो नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल है वो किस में देखने को मिलता है, रूट जाइलम, स्टेम जाइलम, लीफ जाइलम, या रूट पिथ। तो वो रूट जाइलम में देखने को मिलता है, इसका जो है ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग सेल्स प्रोवाइड टेंसिल एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट। ये दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया है। कोलेनकाइमा जो तनन शक्ति होती है कौन प्रदान करता है, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो कोलेनकाइमा है इसका ए ऑप्शन इसका राइट है, कोलेनकाइमा ही वो शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलामिन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, बेलामिन जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, एरियल रूट ऑफ डाइकॉट्स, एरियल रूट्स ऑफ मोनोकॉट, एरियल रूट ऑफ ऑर्किड, ऑल द एरियल रूट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है, एरियल रूट ऑफ ऑर्किड्स, जो ऑर्किड की जो रूट होती हैं वो उनमें जो बेलामिन कैरेक्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स माना गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डाइकॉट स्टेम वैस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड। निम्न में से किस द्विबीज पत्री तने में जो संवहन पुल होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, निकटेंथिस, पेपेवर, हिबिस्कस या फिर सिट्रस। तो यहाँ पे इसका जो है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, निकटेंथिस। निकटेंथिस में ही क्या है ये, हालांकि ये डाइकॉट है लेकिन फिर भी इसमें जो वैस्कुलर बंडल है वो फैले हुए पाए जाते हैं, मतलब स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, क्योंकि जो मोनोकॉट होती है ये मोनोकॉट की विशेषता होती है, मोनोकॉट स्टेम की, लेकिन इसमें डाइकॉट में है तो ये अपवाद हो गया। तो यहाँ पे निकटेंथिस इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग रेडियली वाटर एंड फूड मटेरियल्स इन द वुडी स्टेम। कस्टिल जो स्तंभों में जल और खाद्य पदार्थों का अरीय संबंध होता है, वेसल्स, जाइलम, फाइबर, एंडोडर्मिस या वैस्कुलर रेज। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा, वैस्कुलर रेज होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो कंडक्टिंग जो रेडियली वाटर एंड फूड मटेरियल इन द वुडी स्टेम। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनुअल रिंग्स इन अ ट्री सिग्निफाई द एज ऑफ द ट्री, व्हाट दीज एनुअल रिंग्स आर मेड ऑफ। वृक्ष में वार्षिक बलय वृक्ष की आयु को दर्शाते हैं, ये वार्षिक बलय किसके बने होते हैं, ग्रोइंग सेकेंडरी फ्लोएम, ग्रोइंग सेकेंडरी जाइलम, ग्रोइंग प्राइमरी फ्लोएम या फिर ग्रोइंग प्राइमरी जाइलम। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो ग्रोइंग सेकेंडरी जाइलम है, इसी के कारण क्या होती है कि जो एनुअल रिंग होती है वो लेयर्स में संकेंद्रित रूप में बनती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोथीकस एंथर्स आर फाउंड इन एक कोस्ट की पराकोस्ट पाए जाते हैं, हेलियंथस, ब्रेस्का, सोलेनम, हिबिस्कस। तो जो मोनोथीकस एंथर है वो हेलियंथस में पाए जाते हैं, हेलियंथस एनस। इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट हेयर्स इमर्ज फ्रॉम मूल रूम निकलते हैं, एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल या फिर एंडोडर्मिस। तो यहाँ पे इसका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो रूट हेयर है वो एपिडर्मिस से निकलते हैं, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कैस्पेरियन थिकनिंग्स अकर्स इन द सेल्स, जो कैस्पेरियन स्थूल्स हैं वो पाए जाते हैं एपिडर्मिस में, हाइपोडर्मिस में, एंडोडर्मिस या पेरिसाइकल में। तो जो कैस्पेरियन थिकनिंग्स हैं वो एंडोडर्मिस की रेडियल और ट्रांसवर्स जो दीवारें होती हैं उसमें जमा हुए पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोमेटिक सेल्स ऑफ एनी प्लांट, देयर आर 16 क्रोमोसोम इन इट्स पॉलन मदर सेल्स। किसी प्लांट की कायक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 16 है, तो उसके मात्र पराग कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर प्लांट की जो सेल है उसमें कितने 16 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे 2n इज इक्वल टू हम लोग 16 करेंगे, तो n इज इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 2 8 16, तो n इज इक्वल टू जो है 8 हो जाएगा। तो फिर वहाँ पे उसके मात्र पराग कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो पूछी गई है, तो वो कौन सी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलामिन टिश्यू इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ, बेलामिन टिश्यू जो है वो पाए जाते हैं मेज, ऑर्किड्स, स्टेनोस्पोरा या फिर फाइकस। तो जो बेलामिन टिश्यू अभी डिस्कस किया था वो किस में पाए जाते हैं, ऑर्किड में। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन द स्टेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसके तने में कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, निकटेंथिस, बिग्नोनिया, टेनोस्पोरा या फिर नन ऑफ दी। तो जो कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल है वो निकटेंथिस में पाए जाते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। इसी के साथ जो है वो हमने जो एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म है उसके क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, और अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो इकोनॉमिक बॉटनी है हम लोग उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लगभग LT, TGT, PGT और यहाँ तक कि DSSS भी, और राजस्थान में जो TGT, PGT का पेपर होता है तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप हमारे इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं,
इंस्टा पर मैं छोटी छोटी ट्रिक्स जो है मैं देती हूँ बायोलॉजी की, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आप हमारे टेलीग्राम से भी जोड़ें, क्योंकि जैसे ये टॉपिक यहाँ पर अभी हमने कम्प्लीट किया, फिर शाम के टाइम इसी को 7 and 9 PM इन्हीं टॉपिक्स की जो है वो क्विज़ होती है। तो ये क्विज़ आप लोगों के लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आप ये एक बार वीडियो देख लें और उस टॉपिक की जो है क्विज़ आप कर लें, तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे आप कोई भी टॉपिक जो है वो आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्योंकि टॉपिक तो बहुत बड़ा होता है, वो हर लेवल के आते हैं, लेकिन हमें हमारे एग्जाम के लेवल के हिसाब से पढ़ना है, जो कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के ही मिलेगा। तो इसीलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। थैंक यू।